आपको इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में एंटर होते दिखाई देंगे। भैया कन्फ्यूजन हो गए, वो खड़ी बांग्लादेश के पुलिस और ये खड़ी इंडिया की, क्यों के बांग्लादेश में घुस गया वो इंडिया वाले, हमारे जो इंडिया के आदमी थे उनको एक अच्छा खासा सजेशन था कभी तुम्हें कैंपिंग करनी उधर को चले जाओ बांग्लादेश। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो गाइस शिलांग साइड से हम जहाँ पर रुके थे कल रात को स्टे किया था भैया, यहाँ पर पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे तो मॉर्निंग के टाइम हो चुका है और लगभग 10 भी बज चुके हैं, मतलब 4 घंटे हमारे ख़राब भी हो चुके हैं यहाँ पर अभी सारा सब कुछ करते हुए। तो अभी हम तैयारी हमारी सबको पैकिंग वगैरह हो चुकी है, अब हम डाबकी से साइड के लिए निकलेंगे और नाश्ते में यहाँ पर भाई कुछ मिल नहीं रहा था भाई, अपना मैगी वगैरह बंद ही है फिलहाल के लिए, इसका नाश्ता करके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज चलता है, नॉनवेज सादा मादा नहीं चलता, मतलब चिकन विकन नहीं चलता, इससे बड़ा ही चलता है भाई। रात भी खाने के बहुत ज़्यादा दिक्कतें पड़ गई थी तो एक होटल में गए थे, मतलब जहाँ पर इंडियन फूड सर्व किया जा रहा था तो वहाँ पर गए थे जो कि काफ़ी कॉस्टली भी था। तो कल रात ऐसा काम चलाया था और चाय बनाने के लिए भैया दूध वूध ले लिया हमने, मतलब पाउडर वाला जो दूध आता है फिलहाल चाय बनाने के लिए, तो चाय भी अपना इसी से बनाएंगे। और कल रात भैया साथ में यहाँ पर सोए हुए थे तीनों लोग, हम शटर वगैरह लगा कर, तो बस नाश्ता वास्ता करके यहाँ से निकलेंगे फटाफट अपना। अभी तैयार हो रहा सारा मैगी वगैरह, फिर चाय वाय बनाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो ये पेट्रोल पंप है भैया का जो कि 2-4 दिन में चालू होने वाला है, तो और ये कुछ शहर का नज़ारा है। तो बाकी अभी निकल के आपको बताते हैं सफ़र का आज का क्या रहता है दिन भर का। तो वही फ़िलहाल के लिए अपनी मैगी हो गई है रेडी, इसके बाद बनाएंगे चाय और फिर खाना करके निकलेंगे यहाँ से अभी फ़िलहाल। तो भैया हो गई अपनी मैगी रेडी और देखते हैं कैसी है, एक नंबर की भाई। तो अभी मैगी करके फिर चाय बनाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भैया चाय बन गई है अपनी और चाय गई थी उबल जाते ही, तो चाय वगैरह पी लिए अब करेंगे सफ़र स्टार्ट। तो चाय है अपनी सबसे बढ़िया, चलिए फिर चाय वगैरह करके निकलेंगे यहाँ से। तो भाई फ़िलहाल के लिए आज काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब आधा दिन तो निकल गया, 11 बज चुके हैं भाई, कुछ काम वाम कर रहा था अपना तो नाश्ता वास्ता किया और उसके बाद निकलते हैं। चलिए वीडियो देखना उनके फ़ोन का आएगी उनसे पूछ लेना नाम चैनल का, वो बता देंगे। तो भाई चलते हैं निकलते हैं, मैंने साथ वाले भाई को बोला मैंने यार ऐसे आधा दिन मत ख़राब कर इस साइड में, लेकिन क्या करें भैया थोड़ी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है दो के साथ में, वरना सिंगल रहते तो अपना डिसीजन पक्का रहता भाई, इतने टाइम पर निकलना है अपने को। अभी 5 बजे दिन ख़त्म हो जाता है तो भाई सोचना पड़ता है उस चीज़ को। तो चलिए छोटा सा शहर था, अब आगे से ट्राई करते हैं कहीं लिफ्ट या यहीं पर रुक के लिफ्ट लें, आगे चल के लेगा यहाँ से आगे। चलिए भाई आगे से ट्राई करते हैं, ये बिल्डिंग बन रहा है, ये पेट्रोल पंप था जो कि स्टार्ट होने वाला 2-4 दिन में, और यहाँ पर भैया रहते हैं मैनेजर वगैरह। तो भाई फ़िलहाल यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ, यहाँ के क्या जब से हम मेघालय के अंदर नांगस्टॉन उससे पहले सालांग तक एंटर हुए थे, तो यहाँ पर कुछ जाति है खसरा लोगों की जो कि यहाँ पर रहते हैं, और उनका शादी वादी का तो कल्चर यही है कि अगर लड़का शादी करेगा तो वो लड़की के यहाँ पर जाएगा, और दूसरा ये कि यहाँ पर खाने में भाई ऐसा कुछ चलता है जो कि नॉर्मल लोग नहीं खाते हैं, बहुत ही तरह के नॉन वेज में क्या बताऊँ, बहुत ही तरह के जो है नॉन वेज तरीके खाना खाया जाता है जिसकी हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते यार ये इंसान ये खा लेंगे, तो हम जो है ना उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उसे देख के भी घिन करेंगे जो यहाँ के लोग खाते हैं। तो खसरा जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, तो यहाँ के लोग मतलब खाने को लेकर किसी चीज़ का परहेज नहीं करते, नॉर्मल जो वेज खाना है यहाँ पर नहीं चलता है, तो वे किसी भी जंगली जानवर को खाने से परहेज नहीं करते A to Z, ये मान के चलो जिसे बोलते हैं जंगली जानवर पूरे तरीके से, यहाँ पर वही नॉर्मल है वो चीज़ें हर जगह यहाँ पर खाने को लोग खाते हैं और वही यहाँ पर मिलेगा, सादा खाने की कोई वही उम्मीद नहीं यहाँ पर नॉर्मली कि चलो कोई चिकन या अंडा वगैरह ऐसा कुछ रहता है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी हर तरह के जानवर वगैरह यहाँ पर लोग खाते हैं, उनका कल्चर है ऐसा, स्टार्टिंग से ही उन्होंने ये किया हुआ है, तो बोलते हैं कि भाई हम लोग तो यही नॉर्मल खाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो थोड़ा भाई यहाँ पर ऐसा कुछ है मेघालय साइड में, और काफ़ी सारे लोग हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि इधर मत जाओ जगह में थोड़ा ख़तरनाक है ये है, मैंने कहा भाई देखो यार ट्रैवल नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा, हमें भी नहीं पता था कि मेघालय साइड में और इधर साइड में नॉर्थ ईस्ट में कैसे कैसे लोग रहते हैं, हमें क्या पता चलेगा कौन क्या खाता है कैसा है उनका कल्चर रहता है, तो थोड़ा बहुत ये रहता है भाई अगर बस
और इधर अगर शादी वादी की जाए तो भाई समझ लो तुम इधर की रहोगे, और जो धर्म वगैरह है तो वो तो मानते हैं, क्रिश्चियन लोग जाते हैं ज़्यादातर। तो थोड़ा शहर के बाहर अभी आए हुए हैं और यहाँ से ट्राई करते हैं भाई यहाँ पर रुक कर अपना लिफ्ट मिल जाए। और ये है तो ये एरिया थोड़ी जो है ठंडी है, काफ़ी ठंड पड़ती है यहाँ पर बहुत समय बाद यहाँ पर फिलहाल शिलोंग साइड में। और बस यही है अपना फिलहाल, और आज के ट्रिप को जा रहे हैं डाबी रिवर साइड के लिए। तो एंजॉय करते हैं आज के ट्रिप और देखते हैं कोई लिफ्ट यहाँ से कितने टाइम बाद मिलती है, बताते हैं आपको फिलहाल। तो भाई छोटी सी जगह है ये, काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर हिल्स वगैरह आप इतना ज़्यादा वो नहीं है कि बनों भरा एरिया है, पेड़ पौधे कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जंगल भरा एरिया नहीं है। और अगर आप सालांग साइड में ट्रैवल करो ना तो थोड़ा सेफली करना, क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है, और जिस तरीके से बैग टांग के घूमते हैं वो भी अलाउ नहीं है। हमको एक फॉर्चुनर वाले ने ही देख के हमको बुलाया था, फिर बोले थे और डांटा था हमको, पकड़ा था, कैमरे वैमरे सब चेक किए हुए थे। थोड़ा सा वो एरिया सेफ नहीं है, तो सालांग साइड में थोड़ा उस चीज़ को अवॉइड करना कि वहाँ पर आप ट्रैवल ना कर सको, ठीक है। इस साइड में भी काफ़ी सारी जगह हैं जो कि सेफली जो है ट्रैवल करना होता है इस साइड में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर भाई किसी चीज़ का परहेज नहीं मानते, खाने को लेकर तो बिल्कुल नहीं मानते, थोड़ी लोगों का यहाँ माइंड नहीं है सोचने का। काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कह रहे इनके पास थोड़ा सा माइंड नहीं है सोचने का, ये कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं कि हाँ अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं साइड में थोड़ा सा। तो वही देखकर हमको यहाँ अपना जो है ट्रैवल करना है धीरे धीरे अपना, बाकी कुछ नहीं है। और हिंदी नॉर्मली यहाँ पर नहीं समझी जाती है, यहाँ पर भाषाएं चलती हैं अलग अलग हर जगह की। अभी खसरा जाति के लोग हैं, अभी कुछ दूर ही में कुछ और जाति के लोग मिलेंगे, तो ऐसा कुछ रहता है वह यहाँ पर फिलहाल। तो समझते हैं, देखते हैं अपना कुछ सफ़र करेंगे अपना। और लिफ्ट भाई कितना टाइम मिलती है वो देखते हैं। 70 किलोमीटर का अपना आज का डायरेक्शन रखा गया है 70 किलोमीटर का, तो ट्राई करते हैं कब तक मिलेगी। और यहाँ पर ये बिल्डिंग वगैरह बन रही है, क्योंकि थोड़ा सा क्या रहता है किसी से अगर हम हिंदी वाले से मिल जाए ना तो जानकारी ले लेते हैं पूरी उससे। तो नेक्स्ट टाउन में एक हिंदी में थी जो कि लेडीज़ थी, उन्होंने काफ़ी जानकारी दी। अभी बाकी तो अपनी साइड के मिलते रहते हैं, जिस पेट्रोल पंप पे थे वो नॉर्मली अपनी साइड के थे, बिहार यूपी के थे सारे। साइड जाना है एटलीस्ट 20 किलोमीटर नहीं मिलेगा। ओके ओके थैंक यू सर। चलो भैया लिफ्ट नहीं मिली, थोड़ा उन्हें भाषा समझ में नहीं आई थी, मैंने बोला 20 किलोमीटर। चलो भाई दूसरी ट्राई करते हैं। तो भाई इस साइड में ये है हाईवे 6 ढाबा। तो इन जगहों पे थोड़ा नॉर्मल जो है बेस खाना मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मल थाली वगैरह ये सारा सब कुछ है, पराठे वगैरह, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होगा। कल रात को हमें मिला था, लेकिन वहाँ तो काफ़ी तरह के नॉन वेज भी थे नॉर्मल, जैसे यहाँ पर ढाबे मिल रहे थे। बस क्या है थोड़ा बहुत ईमान का, चलो स्पेशली भाई उनका ईमान जाने वो बना के दे देते हैं, लेकिन है तो यहाँ भी सारा सब कुछ वही। तो साइड में कुछ है होटल जहाँ पर आप खा सकते हो कुछ वेज वगैरह खाना। तो लिफ्ट तो नहीं मिल रही है और आधा दिन जो है गुजर गया है अभी फ़िलहाल के लिए। 10 किलोमीटर हम उतर जाएंगे, उधर ही उतर ही आगे लिफ्ट लेके चले जाएंगे। चलो भैया अगर मिलती है तो बैठ जाएं। 5 किलोमीटर नहीं बात नहीं बननी भैया, क्योंकि ना भाषा समझ में नहीं आ रही है, तक उतर जाएंगे भाई, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। चलो भाई देखते हैं। एक आसाम की गाड़ी थी यहाँ पर होटल में रुके हुए थे वो लोग, तो वही वो निकल गए, वरना तो शायद ही उनसे बात कर लेते। लैंग्वेज नहीं आ रही भाई, इसलिए लिफ्ट का दिक्कत है। तो सुबह की भाई पहली लिफ्ट मिली है सर के साथ में, तो सर के साथ में मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए। तो चलिए फिलहाल अपना सफ़र करते हैं इन्जॉय, उसके बाद ट्राई करेंगे दूसरी कोई लिफ्ट। इस साइड की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर ऑल्टो गाड़ी और मारुति गाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है,
यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह कुछ नहीं चलती, गवर्नमेंट की सर्विस ओनली फॉर प्राइवेट टैक्सी चलती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर यही खास बात है, जो व्हीकल चलते हैं यहाँ पर इस साइड में, अभी भी जिसमें हम बैठे हैं बहुत पुरानी मारुति है, और अपनी साइड में तो भाई मारुति पता नहीं क्यों नहीं चलाते हैं लोग, इस साइड में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ तो बहुत मुश्किलों से माइनर केसेस में यहाँ पर मिलेगी मेरे को लगता है, क्योंकि ज़्यादातर तो ऑल्टो 800 और मारुति ही गाड़ियाँ जैसे चल रही हैं। तो एक उस शहर का नज़ारा है जिससे हम निकलते हुए फिलहाल जा रहे हैं डाबकी रिवर साइड के लिए। तो देखते हैं सर के साथ में कहाँ तक का जो है सफ़र अपना तय हो पाया है। उन्हें हिंदी नहीं आती और इस साइड में इंग्लिश भी इतनी लोगों को नहीं आती, यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो भी है, बताया था कुछ नाम डिफरेंट था तो मैंने बस वीडियो में ही बताया होगा, इसके अलावा मुझे याद नहीं फिलहाल के लिए। तो अभी के लिए उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, तो बस लिफ्ट मिल चुकी है अपना, निकल रहे हैं अभी इस साइड से और डाब की साइड का देखते हैं कब तक सफ़र तय हो पाता। लगभग 12 बजने का टाइम होने वाला है कुछ देर बाद, तो चलिए फिलहाल इन्जॉय करते हैं अपने इस सफ़र को आज के। तो भैया यहाँ तक मिली थी अपने को लिफ्ट, तो अभी चलेंगे इसके आगे के बाद। ओके थैंक यू। जब यहाँ पे रुका ना तो भैया सुबह की लिफ्ट के साथ पंगा ये हुआ, उन्हें समझ नहीं आया ना उनसे हमारी कोई पैसे की तय हुई थी, अगर वो बता देते कि पैसे इतने लगेंगे वही ठीक था। अब ये मान के चलो 15 या 16 किलोमीटर की लिफ्ट मिली थी, वो कहने लगे 100 रुपीज़ दे दो। मैंने कहा आई डोंट हैव मनी, ओनली फॉर ट्रैवल विदाउट मनी, यू डोंट स्पीक टू एनी कैश एनी मनी डिमांड। तो भाई बातचीत होने लगे कि नो, उसको हिंदी भी नहीं आती, उसको इंग्लिश भी नहीं आती। तो भाई इसने फिर, इसके पास 30 रुपीज़ पड़े थे तो इसने दे देने के, चल भाई ठीक है। तो फिर बोलने लगा, मैंने कहा भाई देखो समझने का हेर फेर हो गया, बाकी तो कुछ नहीं था। क्योंकि क्या रहता है ना, पीले नंबर की जो नंबर प्लेट की गाड़ी होती है हम समझ जाते हैं यार टैक्सी है, लेकिन वो पर्सनल व्हीकल थी, वाइट नंबर की प्लेट थी, तो भाई आप पैसे मांगने का क्या मतलब बनता है, उसको बोलना चाहिए था। ऐसी गाड़ियों को तो हम वैसे भी नहीं देते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है जिस पर पीले नंबर की प्लेट होती है, हम उसे कभी लिफ्ट नहीं दे, वो मांगते नहीं है। टैक्सी वैक्सी जो नॉर्मल चल ही रही है, मारुति वगैरह यहाँ तो ऑल्टो मारुति ये तो चल ही रही है, तो ये टैक्सी के रूप में चल रही है यार यहाँ पर। तो भाई चला भाई 30 रुपीज़ भाई ने दिए, मैंने कहा भाई अभी आगे से कन्फ्यूज़न ऐसा नहीं करेंगे, बोलेंगे साफ साफ बोलेंगे, अगर लिफ्ट नहीं मिलेगी तो समझाएंगे थोड़ा बहुत। तो ये यहाँ पर अभी डाबकी रिवर के साइड के ये रास्ता जाएगा और वो निकल गए उस साइड राइट साइड से, तो आगे निकल गए यहाँ से, ट्राई करते हैं अपना कोई दूसरे लिफ्ट का। एक ब्रिज है यहाँ पर बाईपास, तो चलो भाई उस साइड में निकलते हैं अभी। और यहाँ से शिलोंग है 22 किलोमीटर, जो कि हम वहाँ तक तो गए नहीं थे, वहाँ से बाहर ही थे। आ जाओ भाई चले, तो भाई आगे से कन्फ्यूजन ना हो किसी को भी, तो कोशिश करें कि भाई ठीक से लिफ्ट मांगी जाए। तो भाई फ़िलहाल अभी सेकंड लिफ्ट मिली है, थोड़ा हेड को संभालना पड़ेगा। तो गाड़ी में ट्रांसफार्मर जा रहा था, वहीं पर खड़े थे बीच में, तो जल्दी मिल गई गाड़ी, रुकी हुई थी कुछ अपना वहाँ पर छोटे से ढाबे पे कुछ लेने के लिए। तो फिर उसके बाद में आसाम के लोग थे तो उन्हें हिंदी भी आती थी, तो मैंने कहा भाई ठीक है हमें रास्ते में उतार देना। तो भाई उन लोगों के साथ थोड़ा सा क्या हो गया, वो चेरापूंजी जाने वाले थे और जिस ब्रिज पे हम खड़े थे वो रास्ता राइट वाला जा रहा था, हमारा लेफ्ट था। तो अभी जब उन्होंने पता करा चेरापूंजी के लिए रास्ता कौन सा जा रहा था, फिर हमने बताया, लेकिन हमें ये नहीं पता था, हमने सोचा होगा भाई इनका कोई अपना रूट इधर साइड से जाने का, शायद अगर वो पूछते, मैंने भाई अनजान थे वो, अगर वो पूछ लेते तो हम ही खुद बता देते और से ब्रिज से इन्हें यहाँ तक नहीं आना पड़ता, वो वापस जा रहे उसी ब्रिज पर और वहाँ से चेरापूंजी साइड के लिए जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कन्फ्यूजन के चलते तो हम यहीं पर उतर गए हैं फिलहाल। अभी हमको पता नहीं था कि भाई साइड कहाँ जाएंगे, मना आगे जा रहे हैं तो भाई ठीक है, तो सजेस्ट करते हैं हम उन्हें रास्ता फिर। तो चलिए दूसरी कोई लिफ्ट ट्राई करेंगे अभी यहाँ से। तो लगभग अभी तक जो है सुबह से 20 किलोमीटर का सफ़र तय हो पाया है,
लेटलिंग कोट नाम की कुछ जगह है मेघालय में, बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर छोटा सा शहर या गांव मान के चलो बसा हुआ, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ से ट्राई करते हैं कोई दूसरी लिफ्ट मिलती है नहीं, आज मॉर्निंग टाइम से ही ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है लिफ्ट को लेकर कभी मिल जा रही है तो बातों का और पैसों का कन्फ्यूजन हो जा रहा है, वरना तो कुछ ऐसा ही है। तो देखते हैं भाई नहीं भाई। तो अभी यहाँ से निकल के आगे की ओर ट्राई करते हैं फिर से लिफ्ट। तो वही यहाँ पर ये चर्च है, काफ़ी खूबसूरत चर्च है, लेकिन सामने से धूप आ रही तो दिखाई नहीं पड़ेगा, अभी बंद भी है, खुली हुई नहीं है। और ये मार्केट है यहाँ पर, कुछ काफ़ी खूबसूरत शहर बना हुआ छोटा सा ये। तो अभी के लिए आगे जा रहे हैं क्योंकि ऑन हाईवे ही, मतलब ये रास्तों पर ही शहर है, और देखते हैं कोई लिफ्ट मिलेगी या नहीं ऐसा भी लाल। तो चलिए, तो भाई जल्दी ही लिफ्ट मिल गई, यहाँ से ज़्यादा देर नहीं वेट करना पड़ा, थोड़ा सा आगे कुछ चलते हुए आ ही रहे थे, रोक ली भाई ने, उन्होंने लिफ्ट दी है। तो चलिए इन्जॉय करते हैं अभी इस लिफ्ट को फिलहाल, और निकलते हैं देखते हैं आगे कहाँ तक ये हमको ड्रॉप करते हैं फिलहाल। तो छोटा सा शहर है, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर, और काफ़ी कुछ है देखने लायक, लेकिन बस क्या है लोगों से बातचीत ना हो पाए तो दिक्कत रहती है, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पर समझ नहीं आ रही किसी को भी। आपकी बार मैंने इनसे पता करा, नो मनी, हाँ ठीक है नो मनी। तो भैया जिसने लिफ्ट दी है, देखो जिस भाई ने लिफ्ट दी है भाई अपना मज़े में जा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, चिकन विकन खा रहा है और गाना भी गा रहा है, माइक ले रखा है स्पेशली, गाड़ी के अंदर डीजे लगा रहा है, बड़ा फनी इंसान से लिफ्ट मिली है आज। देखो माइक उसके हाथ में है और वो सीधा गाना भी गा रहा है, तो ठीक है अपना आज इनके साथ में इंजॉय कर रहे हैं। तो एक छोटी सी सिटी है गाँव समझ लो यहाँ पर, और इस साइड में देखो कितना बड़ा ग्राउंड भी है और सारा, काफ़ी अच्छी लोकेशन है भाई, वरना तो बाकी तो पहाड़ों में निकल कर ही आ रहे हैं सारे में, लेकिन यहाँ के लोगों की काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है लाइफ है मान के चलो यार, यहाँ पर ना हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ बहुत मुश्किलों से है, पहाड़ों के बीच में आ रहे हैं निकल के हम, तो यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन तो है नहीं कि हाँ भाई कोई यहाँ पर खेती वगैरह कुछ करके खा लेगा अपना। तो भाई के साथ में मिली है यहाँ तक लिफ्ट, तो अभी भाई को बोलने का चाहता कि भाई काफ़ी टैक्सी की बड़ी लाइन लगी हुई है, बाय बाय, चलिए दूसरी को लिफ्ट ट्राई करते हैं। तो भाई ये है पाइनूसाला करके कुछ जगह मेघालय साइड में, और अभी जो अपना सफ़र है 31 किलोमीटर रह चुका है, तो अभी यहाँ से ट्राई करते हैं कोई और लिफ्ट मिल जाए। तो ये हिल्स में बसी हुई छोटा सा शहर है। तो भैया ये है पब्लिक टॉयलेट, ऐसा लगता है लोगों को मतलब नहीं पता पब्लिक टॉयलेट का, क्योंकि चल रही है दुकान, क्या ही बोले, लिखा है दो तीन जगह पे, चले एक आध जगह पे हो तो समझ में भी आता, लेकिन दो तीन जगह पे साफ साफ पब्लिक टॉयलेट, वो भी साफ अक्षरों में। तो अभी ढूंढ रहे हैं कुछ खाने का, ये छोटा सा जहाँ पर अभी रुके हैं, तो फिलहाल अभी यहीं पर घूम रहे हैं और इस जगह को भी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी जगह है फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो। और 31 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, तो अभी ट्राई करते हैं कौन सी लिफ्ट है, और कुछ जगह यहाँ खाने लायक तो मुझे दिख रही है, लेकिन बातें नहीं हो पा रही है, तो समझ नहीं आ पा रहा, मतलब उतना भी ज़्यादा यहाँ पर नॉनवेज नहीं चल रहा जितना उस साइड में चल रहा था। तो वही देखते हैं लिफ्ट मिलती है कुछ खाने वाने क्या हम फाइंड करते हैं फिलहाल। ठीक है रोको क्या, ओके चलो भैया अभी एक और ट्राई करता हूँ, अगर भाई मिल गई तो अच्छी बात है। आगे आगे ओके। तो भैया बिस्किट खा के काम चलाना पड़ रहा है, गाड़ी तो लोडेड है, नहीं मिलेगी लिफ्ट, बिस्किट लिया है इसने, नमकीन ली है, चल भाई इसी से काम चला लेते हैं। हाँ यूपी महाराष्ट्र मुंबई, यूपी महाराष्ट्र मुंबई, हाँ डाबकी डाबकी
चलिए फिलहाल अभी आगे निकलते हैं। वो बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए पीछे है सादा, हिंदी आपको आती है लेकिन वही है मिक्स है सारा सब कुछ। घूमने है, घूमने ये छोटा सा शहर। तो फिलहाल अभी काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, लिफ्ट का तो कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर रुके हुए थे एक रेस्टोरेंट था, लेकिन रेस्टोरेंट पे भी कुछ खास तो खाने को मिल नहीं रहा इस साइड में। इस साइड में खाने को लेकर क्या कहें, तो अभी ट्राई करेंगे कुछ देर बाद यहाँ से आगे की लिफ्ट की ओर। और कुछ भाई मिले थे मुंबई साइड से जो कि ट्रैवलर थे, और अपना ये जा रहे हैं साइड में डाब की साइड में। तो भाई इस साइड में तो लिफ्ट नहीं मिल रही है, तो अभी हम पीछे गए थे खाना पता करने के लिए। तो वहाँ पे कुछ भाई मिले थे जो कि मुंबई साइड से ही थे, और वो कुछ खाना वाना कर रहे थे। तो हमने वहाँ पर देखा खाना, तो बोल रहे थे कि यार यहाँ पर खाना ठीक नहीं है, तो आप देख लो कैसा है। कि वैसे रोटी वगैरह तो नहीं है, मैंने कहा रोटी क्या उम्मीद करी जाए, यहाँ पर फ्राइड राइस राइस थी। बोल रहे थे कि ये भी ठीक नहीं है। तो नॉर्मली हमने तो भाई कुछ खा लिया था, हल्का सा पीछे ले लिया था अपना कोकोनट वगैरह और बिस्किट वगैरह ले लिया था, तो काम चल गया भाई इस साइड में। देखो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल से तो मैगी से काम चला रहे हैं। कल रात तो खाना खा लिया था। तो अभी क्या है, 31 किलोमीटर यहाँ से जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर, डाबकी नदी जहाँ पर है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, उस नदी में। तो 30 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से, उसके बाद देखेंगे। नॉर्मली कुछ मिलता है तो कुछ बना बना के खा लेते हैं। तो अभी के लिए ट्राई कर रहे हैं यहाँ से कोई लिफ्ट मिल जाए, लेकिन अभी नहीं मिल रही है। तो ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे का और दिन रह गया यहाँ पर अभी फ़िलहाल। और हिल्स वरी एरिया में हम इस समय घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो भाई ये फ़िलहाल तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुर्गा टाइप से बना हुआ है, अपनी इंग्लिश में लिखा हुआ, बट क्या है ना समझ के बाहर है, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज की इंग्लिश लिखी हुई है। तो ये कुछ हिल्स पर है, स्टेज मतलब पहाड़ों पे बना हुआ है, तो पता नहीं किस लिए बना हुआ है फ़िलहाल तो। और नीचे है इस तरीके का कुछ नज़ारा, जहाँ पर चल रही है माइनिंग वगैरह पत्थरों की। अभी उस साइड से ही होके जाना पड़ेगा हमको डाबकी उसके लिए नदी के। तो सोचा इस साइड में अभी घूम लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली काफ़ी घंटों के बाद एक छोटी सी लिफ्ट मिली है, नीचे तक जाएंगे मतलब 2-3-4 किलोमीटर ऐसे। तो लिफ्ट मिली है भैया से, तो फिलहाल मैंने कहा इतना ही काम चला लेंगे, आगे ले लेंगे लिफ्ट। और हिंदी भी आती थी भैया को, तो आसानी से लिफ्ट मिल गई है। तो भैया से मिली है लिफ्ट जो कि 5-6 किलोमीटर समझ लो। ओके भैया, थैंक यू भैया। चलो भैया रे, तो सेकंड टाइम भैया रोड टूटी हुई मुझे मिली है। चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर अभी। तो बोले थे छोटी सी लिफ्ट है, मैंने कहा कोई नहीं आप छोड़ दो, 5-6 किलोमीटर तो अपना सफ़र कम होगा ही होगा। तो वही लेकर अपना लिफ्ट ले ली थी। तो भैया से मिली है लिफ्ट, भैया है बिहार साइड से और धर्मेंद्र नाम का। तो छोटी सी लिफ्ट उनके साथ ले ली, बस अपना तो सफ़र में ही रहता है, छोटी लिफ्ट मिल जाए तो अपना सफ़र तो कट ही जाता है ऐसे। भैया यहाँ के कॉन्ट्रेक्टर रोड जो बन रहे हैं, हमने बताया ये जो रोड बन रही है वो भैया यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर है यहाँ पर जो बनवा रहे हैं रोड को इसको। चलिए एंजॉय करते हैं फिलहाल सफ़र को अपने। तो हम यहाँ तो फिलहाल अभी भैया ने काफ़ी कष्ट किया, आगे तक छोड़ा हमको, वरना उनको जाना था पीछे ही था 3-4 किलोमीटर पहले ही, और भैया ने हमें कष्ट किया था। थैंक यू भैया। तो उन्होंने एक जगह ही बताई जो कि यहाँ पर अभी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे कि आपको डाबकी रिवर के लिए किधर से जाना चाहिए। तो चलिए फिलहाल अभी ड्रॉप कर दिया। अच्छा भैया टाटा। तो उन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया कि दो ऑप्शन दिए कि आपको क्लिनिश जो ब्लीज है इस साइड में मिलेगा 20 किलोमीटर, और उधर डाबकी रिवर मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ रुक कर सेलेक्ट करते हैं किस साइड में जाना है फ़िलहाल। तो अभी तो भैया ने स्पेशली बुलाए रहते थे, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं के हाथ में है, तो सड़क बन रही थी तो उन्होंने हमें आगे छोड़ा, फिर 4-5 किलोमीटर ज़्यादा ही यहाँ तक छोड़ा। तो चलिए भाई लिफ्ट लेने में तो यही रहता है कि लोगों से इसी तरीके की हेल्प हो जाती है। तो अभी डाबकी साइड के लिए रास्ता ये जाएगा, और ये देखते हैं हम जो क्लीनेस्ट ब्लीज बता रहे थे, एशिया की सबसे बड़ी क्लीनेस्ट जो ब्लीज है। तो भाई फिलहाल जो है लिफ्ट मिली है छोटी आधे रास्ते की फिर से वहीं से। तो चलिए अभी उनके साथ सफ़र करते हैं, लेकिन उन्हें लैंग्वेज हमारी नहीं आती थी, मैंने कहा लिफ्ट दे दो भाई, बाकी तो देखा जाएगा आगे का।
तो उनके साथ निकलने हैं अभी फिलहाल, और देखते हैं आगे कितना किलोमीटर रह जाता है और कितना टाइम लगता है वहाँ ढाकी साइड निकलने के लिए भी। तो भाई फिलहाल जो है सोलांग तक की लिफ्ट मिली थी जो कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर के लगभग में, 12 किलोमीटर समझ लो, तो थोड़ा बहुत ही सफ़र रह गया है। तो अभी यहाँ से आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे और ये छोटा सा सोलांग का गांव है, तो चलिए। तो फिलहाल यहाँ से लगभग सफ़र रह गया 9 किलोमीटर का, और आज सुबह सो रहे कॉन्फिडेंस भाई, जो भी गाड़ी मांगो उसमें से एक दो ने तो पैसे की डिमांड कर लिया, अभी जिस गाड़ी में आए वो भी पैसे की डिमांड कर रहे थे। मैंने भाई पैसे नहीं है, हम तो लिफ्ट वैसे ही बोल लेते हैं। अब यार लिफ्ट किस भाषा में बताई जाए ये भी कुछ पता नहीं चल रहा, ड्रॉप लिफ्ट नो मनी ऐसे बोल बोल के, मतलब हम आज आ रहे हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जा रहा है, डिमांड कर ली जा रही है कि भाई पैसे दे दो। मैं भाई नहीं है तो इस वाली गाड़ियों में नहीं है भाई, होते तो वरना तो टैक्सी वैक्सी करते। तो चलिए 9 किलोमीटर का सफ़र अभी तय करते हैं लास्ट अपना, और सोलांग से आगे कुछ छोटा सा गाँव है ये, और यहाँ पर ये कुछ फिलहाल कह नहीं सकता घर है, तो थोड़ा सा जंगल भरी एरिया है ये फिलहाल के लिए। तो 9 किलोमीटर का सफ़र था जो कि बाकी था, तो वही जंगलों में चल रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर इस साइड में कब्रिस्तान है, डर तो लग रहा है लेकिन चले जा रहे हैं भाई, दिन है तो वही रात में क्योंकि देखना पड़ेगा, लिफ्ट अगर ना मिली तो अच्छा है, थोड़ा बहुत सफ़र हो जाएगा, पैदल पैदल निकल जाएंगे अपना। दो तीन दिन भी मेरी हेल्प करी थी पीछे, तो भैया से लिफ्ट में ली है डाबकी के लिए, अब डाबकी का लास्ट सफ़र हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं डाबकी में अभी जाकर, और भैया करते हैं शुक्रिया था लिफ्ट देने के लिए, थैंक यू। तो भाई फिलहाल के लिए दिख नहीं रहा है लेकिन ये बहुत सा जितना निकला होगा ये सब बांग्लादेश का ही है, अभी जिस रोड पर हम चल रहे हैं बस यही इंडिया का पार्क है, और नीचे भी थोड़ा पहाड़ी एरिया है, वरना उधर सामने का दिखाई पड़ेगा ना वो सारा बांग्लादेश का है। तो यहीं पर अभी डाबकी नदी के लिए आए हुए थे हम, जो कि है वो सामने जितना दिखेगा। तो भाई ये आ चुके हैं डाबकी नदी, जो कि देख रहे हो आप नीचे फिलहाल, और इस साइड में देखो स्कूबा डाइविंग चल रही है साइड में बराबर में, जो कि सबसे साफ पानी पूरा क्रिस्टल वाटर जिसे बोलते हैं। तो अभी जा रहे हैं नीचे की ओर, और बाकी नीचे कैप्चर करके दिखाते हैं। तो ये है भाई काफ़ी शॉर्ट रास्ता है जो कि दिखाई देता है बहुत ही ज़्यादा, और नीचे चल रही है स्कूबा डाइविंग, तो अभी के लिए नीचे ही जा रहे हैं बस, जहाँ आपको इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में एंटर होते हुए दिखाई देंगे। तो भाई फिलहाल आ चुके हैं डाबकी रिवर के बराबर, और ये है अपना इंडिया का पार्ट, और उससे आगे है बांग्लादेश का, तो बस यही है। अभी नीचे चल के दिखाते हैं, पत्थर है वहाँ पर जो कि इंडिया और बांग्लादेश की लाइनिंग है, तो नीचे चलते हैं। तो भैया कन्फ्यूजन हो गए, वो खड़ी बांग्लादेश की पुलिस और ये खड़ी इंडिया की, लेकिन है कौन सी जगह पे बांग्लादेश और इंडिया का पार्ट वो देखना पड़ेगा कभी, और कहीं चढ़ जाएं। अपने को फिलहाल पता तो नहीं है वो लिख रहा है, वैसे तो ये राजा जी की गद्दी दिखाई पड़ रही है मेरे को तो भाई। अभी नीचे चलते हैं भाई। अरे यार कैमरे वाले चारों तरफ घूमते फिर रहे भाई, कौन सा इंडिया का कौन सा बांग्लादेश का भाई, समझ ही नहीं आ रहा भाई किस जगह खड़ा हूँ मैं, बांग्लादेश में खड़ा हूँ या इंडिया में खड़ा हूँ। मज़ेदार बॉर्डर है भाई, जाऊँ क्या बांग्लादेश में को, शायद चला गया भाई मैं बांग्लादेश में को, बांग्लादेश में घुस गया भाई। तो भाई फिलहाल के लिए सरकार आर्मी वाले हमारे जो इंडिया के आर्मी थे इनका एक अच्छा खासा सजेशन था, कभी तुम्हें कैंपिंग करनी उधर को चले जाओ, देखो सीट भर रही पड़ी हुई, मतलब सीट थी बांग्लादेश में, तो उनका सजेशन बड़ा अच्छा लगा कि उधर को जाकर सो जाओ, रात में तुम्हें कौन कह देगा। मैंने कहा बांग्लादेश वाला गए तो कमाल का वो है यार, मतलब मान के चलो बॉर्डर, और ऐसे पे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जगता है, तो कल का भाई पूरा दिन इसी साइड में रहेगा, इसी साइड में घूमेंगे फिलहाल। तो ये देख रहे हैं कि अभी कोई स्टे वगैरह किया जाए, क्योंकि एक्सप्लोर प्रॉपर कल को करेंगे, आज की जो है वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है फिर। तो चलिए भाई अपनी अभी कैंपिंग करेंगे, लास्ट जो ब्लॉग है अपना वहीं तक एंड करेंगे उसके बाद में। तो भैया बांग्लादेश वालों को मतलब यहाँ पर फोटोग्राफरों को आने जाने की परमिशन है, हमारे तो भैया ये है बांग्लादेश से, और ये साइड में इंडिया साइड में फोटोग्राफी कर रहे हैं, देखो टी शर्ट भी भैया ने बांग्लादेश की पहनी हुई है,
अच्छा लगा इनसे मिलके, बातों बातों में पता लगा। तो फिलहाल जो भैया बांग्लादेश से, उन्होंने बताया कि मेरे को जो आर्मी वाले, अपने इंडियन आर्मी वाले, वो परमिशन अलाउ करेंगे तो ही मैं इस साइड में आ सकता हूँ, अदरवाइज नहीं आ सकता हूँ। तो हमारे जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने अलाउ किया था, तो भैया इस साइड में फ़ोटोग्राफी करना है क्योंकि फ़ोटो खींचते रहते हैं। और अपने इंडिया साइड में वही है, अगर बांग्लादेश वाले आर्मी वाले अलाउ करेंगे तो वो उधर जा सकते हैं। तो इनका हिसाब जो है वो ये है। तो बस चलिए, अभी सूर्यदेव ढल चुके हैं, अभी कैंपिंग के लिए कोई जगह ढूंढते हैं फिलहाल इस साइड में। तो भाई अभी डाप की साइड में आए हैं और ये खाना मिला है हमें कल से, अब तक वेज खाना। तो अंकल जी का जो ये होटल है, ये असम साइड से रहने वाले हैं और यहाँ पर वेज चलाते हैं, और हिंदू हैं जो कि इन्होंने ये बनाया हुआ है खाना। तो आज खाना को यहाँ पर नॉर्मली हमें मिल रहा है इस साइड में, जिसमें गोभी, दाल, आलू और चावल है। तो भाई आज खाना करते हैं, आज घर पेट करें। सो गाइस, फिलहाल आज का स्टे हो गया है और बहुत भाई मशक्क़तों के बाद पूरा यहाँ पर गांव के अंदर घूम गए, बहुत दिक्कतों के बाद ये टेंट कहीं जाके लगा है। क्यों लगा है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा, ये थोड़ी नान से बताने वाली स्टोरी है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी लाइक शेयर कमेंट आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं।